तो दोस्तों आइए आज हम देखते हैं 8 इंच का एल्बो कैसे बनाते हैं, 8 इंच पाइप का। तो हम यहाँ पर 8 इंच के पाइप का एल्बो डिंग नोट कर दिए हैं। उसके बाद ये 8 इंच पाइप का ओडी है 219 और इसका CF जो होता है वो 688। तो एल्बो बनाने का फार्मूला जो है वो CF इंटू डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू 2 इंटू नंबर ऑफ कट यानी कट नंबर। और फिर उसके फार्मूले के अनुसार फिर हम इसको रखें, जो 8 इंच पाइप का CF है वो है आपका 688 और हमें 90 डिग्री बनाना है तो हम 688 गुणे 90 कर रखे हैं और फिर उसको 360 गुणे 2 और नंबर ऑफ कट यानी 3 कट में काटना है, हम उसको 3 से गुणा कर रहे हैं। तो उसके बाद जो हमारा आंसर आया है वो है हमारा ये 61920 और उसके नीचे जो हमारा 688 जो हमारा 688 CF है और इसको 90 से गुणा करने पर हमारा ये आया आंसर आया और उसके बाद 360 दो और 3 से गुणा करने के बाद हमारा ये आया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो हमारा 28 mm का कटवेज निकलता है। और फिर हम स्टैंडर्ड रेडियस का बना रहे हैं तो हम जो कटबैक है उसको हम 6 से गुणा करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड रेडियस बनाने के लिए 6 लिया जाता है। तो हम 28 × 6 करते हैं तो हमारा ये आता है मिडल पीस 168 mm का। और साइड पीस के लिए हम क्या करेंगे, 168 को 2 से भाग कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा साइड पीस होगा। तो आइए देखते हैं, एक मार्किंग हमने बनाया है यहाँ पर आपके लिए। तो ये कि ये हो गया पाइप, मान लीजिए आप एक पाइप ले लीजिएगा और उसके बाद ये साइड का पीस जो है इसमें हम ये साइड पीस हो गया हमारा 84 mm का ये हो गया और ये 84 mm का साइड पीस हो गया और ये मिडिल पीस जो हमारा सेंटर पीस है बीच का पीस है ये 168 mm का ये है और 168 mm का ये है। और तो हमारा जो कटबैक आया था वो 28 mm हमने यहाँ पर नोट कर दिए हैं हर जगह यहाँ यहाँ। तो उसके बाद एक सेंटर लाइन ऐसे मारने का बीच में यहाँ से 84 mm पे, फिर उसके बाद 168 पे एक लाइन सीधी लाइन रेखा खींचनी है, उसके बाद ये एक सीधी रेखा और ये साइड का हो गया। और उसके बाद इस सेंटर से 28 mm जो हमारी एक सेंटर के ऊपर टॉप की लकीर होगी सेंटर की, उससे 28 mm इधर भागना है और 20 का ये यहाँ रहेगा जीरो पर रहेगा और उसके बाद लास्ट में यहाँ 28 भागना है और उसको क्रॉसिंग में मार्किंग कर देना है। सेम इसका बाहर को इसका इस तरफ अंदर को तो इसका इस तरफ अंदर को और इसका इस तरफ है तो इसका इस तरफ होना चाहिए और इसी तरीके से आप इसको बैंड बना सकते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।